आप देख रहे हैं CN24। साइबर सेल और क्राइम ब्रांच की टीम ने ग्राहक सेवा केंद्र की आड़ में फिंगरप्रिंट का क्लोन तैयार कर लोगों के खातों से आधार के मार्फत रुपये निकालने वाला गिरोह को आज पूरे साजो सामान और नेटवर्क के साथ पकड़ लिया। पुलिस इन पर सख्त से सख्त कार्यवाही करनी जा रही है। वहीं SSP ने पूरी टीम को 50,000 रुपये का इनाम की घोषणा की और घटना का खुलासा करते हुए पूरी जानकारी दी। ये जनपद गोरखपुर की साइबर सेल जो हमारी है उसके द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें फिंगरप्रिंट्स का क्लोन बनाकर हाथों से धन निकासी करने वाले 8 अभियुक्तों को अरेस्ट किया है। ये 8 अभियुक्त जिन्हें अरेस्ट किया गया, इनकी अभिरक्षा से 775 फिंगरप्रिंट्स बरामद किए गए हैं, जो क्लोन किए गए हैं लोगों के, विभिन्न लोगों के क्लोन फिंगरप्रिंट्स बरामद हुए हैं। 4 बायोमेट्रिक डिवाइस इनसे मिले हैं, 9 अदद विभिन्न बैंकों के ATM कार्ड्स मिले हैं, 12 सिम मिली है, 10 मोबाइल मिले हैं इनके पास से, 135 रजिस्ट्री पेपर जिससे ये लोग अंगूठा और क्लोन करने के लिए आधार कार्ड और जो फिंगरप्रिंट्स होता है उसको लेते थे ये लोग, 2 अदद रजिस्टर मिले हैं जिसमें 1574 आधार कार्ड के डेटा इनके पास अवेलेबल है, 1 लैपटॉप मिला है और 2 अदद 4-पहिया वाहन मिले हैं। कुल नकद 44,810 रुपये बरामद हुए इनसे। ये लोग ग्राहक सेवा केंद्र पर AEPS ट्रांजेक्शन के माध्यम से, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के द्वारा, ये लोग अन्य किसी का खाते से फिंगरप्रिंट क्लोनिंग के माध्यम से पैसा निकाल लेते थे और कई दिनों से ये अभियुक्त ये लोग काम कर रहे थे। इसमें हमारे जनपद के विभिन्न थानों में मुकदमे लिखे गए और जिन लोगों के पैसे निकाले गए उनके पीड़ितों ने हमें शिकायत करी, जिसकी साइबर सेल जाँच कर रही थी कंटिन्यूस पिछले 2 महीने से। उसमें साइबर सेल को अच्छे सबूत मिले, इसमें 8 लोग अरेस्ट किए गए हैं, बाकी 1-2 अभियुक्त और हैं जिनकी हमें तलाश जारी है। इन अभियुक्तों पर, चूँकि यह बहुत बड़ा इकोनॉमिक अपराध है पब्लिक के साथ, इसमें हम गैंगस्टर की कार्रवाई करने जा रहे हैं और NSA भी लगाने जा रहे हैं। जो लोग यह क्राइम कर रहे हैं, यह एक तरीके से देश की आर्थिक संप्रभुता पर हमला है, इसलिए हम लोग इनको इकोनॉमिक, चूँकि बहुत बड़ा ऑफेंस है, इकोनॉमिक ऑफेंस है, तो हम लोग इस पे NSA की कार्रवाई करेंगे और गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे। सर, इनको लीड कौन कर रहा था और सर अब तक इन्होंने एक शहर में कितने लोगों को कितने करोड़ का चुनाव? हमारे पास चूँकि ये 10,000-20,000 जो भी कुछ मिलता था उसमें पैसे निकाल लेते थे, तो कुछ लोगों ने शिकायत न भी की होगी, लेकिन हमारे पास 4 अभी तक ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थी जिसपे हम लोग कार्रवाई कर रहे थे। अन्य लोग जो पब्लिक के लोग ठगे गए हैं इनके द्वारा, वो भी हमारे पास हो सकता है इसको देख करके आ जाए कि साहब हमें भी ठगा इन लोगों ने, और हम इनको 4 मुकदमों में तो जेल भेज ही रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी FIR मिलेगी सबको क्लब किया जाएगा, जितनी भी शिकायतें मिलेगी मुकदमा लिखा जाएगा, इनको उसमें जो है अपराधी एक तरीके से वारंट लेकर के कार्रवाई की। सर, ये संयुक्त रूप से काम करते थे या इनका कोई लीड करता था? ये संयुक्त रूप से ही काम करते थे, इनका अलग अलग काम होता था, कोई ग्राहक सेवा केंद्र चला रहा है तो कोई क्लोनिंग का काम कर रहा है, लेकिन एक साथ मिलकर ये काम करते थे और एक साथ काम करने से इनको जो है जो फायदा मिलता था वो पैसा जो है आपस में लोग बांट लेते। इन नेटवर्क के तार कहाँ से तक जुड़े हुए हैं? ये गोरखपुर जनपद और आसपास के जनपदों में ये लोग सक्रिय थे और रहने वाले भी गोरखपुर और आसपास जनपदों के हैं। हम लोग इन पे गैंगस्टर की कार्रवाई और गैंग पंजीकरण की कार्रवाई भी करेंगे। सर, ये कहीं रेंट पर रहते थे या अपने आवास? ये अपने ही घरों में रहते थे।